ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला की असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वजीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान सेटअप के लिए नामों का तयन करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गुज़िश्ता रोज़ सूबाई असेंबली की तहलील की समरी गवर्नर को अरसाल की थी। महमूद खान का कहना था कि मुल्क के मफाद में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का फैसला किया। आम इंतखाबात में मुल्क में दो तिहाई अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वजीर आला के एडवाइस पर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की जानिब से समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम महमूद खान निगरान वजीर आला के तकर्र तक अपना काम जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस से जारी एलानगी के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत केपी असेंबली तहलील करता हूँ। असेंबली के साथ सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। आर्टिकल 224 ए की शिक 4 के तहत मौजूदा वजीर आला निगरान वजीर आला की तकर्री तक काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली पहले ही तहलील हो चुकी है, जहां निगरान वजीर आला के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका।